At the Mallaka Chautra Akhada at Shahganj in Agra City, the wrestlers introduced themselves by suffixing their names with Pehelwan or wrestler. The wrestlers, be it Hindu or Muslim, have faith in the temple of Lord Hanuman and start their day by praying together at the temple, famous for its eternal flame. यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का जिसमें करीब 47 साल से एक अखंड ज्योति जल रही है कंटिन्यू जल रही है जो आज तक नहीं बुझी है बीच बीच में जरूर पड़ती है तो इसमें तेल हम भी डालते हैं जैसे दिवाली होती है सब लोग चले गए यहाँ से कोई रहा नहीं तो वो न बुझे इसलिए हम मेरा इमली खाना है और हम भी डालते हैं उसमें तेल कंटिन्यू करते रहते हैं जाति धर्म को कोई भेदभाव नहीं है अरे भैया पहलवान की कोई जात नहीं होती है ना ना हिंदू है ना मुसलमान है सिर्फ पहलवान है पहलवान चूंकि हम एक साथ रहते हैं एक साथ खाते हैं एक साथ पीते हैं एक साथ तो उसमें जाति धर्म का मतलब ही नहीं बनता कोई और सब मिल के भाईचारा एक जगह बैठ के खाते हैं अपने हाथ से ही बनाते हैं खाना घी में बनता है और कोई भेदभाव नहीं यहाँ पर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है जब त्योहारों की बात की जाए तो कैसे मनाते हैं ईद दीपावली हाँ ईद त्योहारी मतलब गली मिल के भाईचारा बन के बैठ के साथ खा के बना के मनाते हैं साल एक साथ सब एक साथ कोई भेदभाव नहीं है कोई भेदभाव नहीं है Caste and religion are immaterial for these heavyweight athletes who enjoy sharing their meal together after their rigorous practice sessions. लंगूर चौके हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं इस कॉलोनी में इस कॉलोनी में बंदर बहुत हैं तो उनको भगाने के लिए एक बंदर पाला था एक बंदर बंदर जो लंगूर पाला था जिसकी बीमारी के कारण अचानक डेथ हो गई तो वो जो डेथ हो जाती है वो जो कि कहते कहावत है कि बंदर या लंगूर हमारे पूर्वज हैं है ना तो पूर्वज चूंकि हिंदू समाज रीति रिवाज के हिसाब से उसका मंडन किया जाता है तो हमारे जो नेतपाल हमारे यहाँ एक पहलवान है उसका मंडन कराया हमने तो उसको देखते हम सबने मंडन करा दिया True sportsman spirit can be witnessed at this akhada. The wrestlers live in amity and play with all their might with each other, irrespective of their personal religious beliefs. यहाँ हम पहलवानी करते हैं और बड़े इखलाक और मोहब्बत के साथ हम सभी हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी लोग बड़े प्यार से अपने मतलब इस खेल को खेलते हैं और बड़े ही हम लोगों में आपस में प्यार है अगर एक दूसरे के साथ सुख दुख है तो सुख दुख में भी हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और कोई धर्म हमारे बीच में कभी आड़े नहीं आया कि वो इस जाति का है वो इस जाति का कभी नहीं आया बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं वो यहाँ आके सीखे कि हम लोग कितने प्यार से रहते हैं हिंदू भी है मुस्लिम है लेकिन बहुत प्यार से हम इस खेल को खेलते हैं और हमारे अनीस पहलवान हैं वो नेशनल लेवल भी जा रहे हैं खेलने के लिए तो बहुत और पुष्पे भाई हैं वो भी खेलने के लिए जा रहे हैं तो बहुत प्यार मोहब्बत देखने को आपको मिलेगा और त्यौहार वगैरह भी जो हम लोग बनाते हैं तो यहाँ बिल्कुल असल त्यौहार तो यहाँ लगेगा आपको चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो बकरा ईद हो सब इतने प्यार से बनाते हैं कि यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ असली त्यौहार यहाँ बन रहा है हमारे अखाड़े पर यहाँ सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने मतलब ऊपर वाले को मानते हुए अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपने प्यार मोहब्बत से इखलाक से यहाँ पहलवानी करते हैं कोई भी भेदभाव जाति बिरादरी धर्म आड़े नहीं आता उसी तरह सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें तो ये देश ही पूरा मोहब्बत का बन जाएगा Institutions such as these help to strengthen the foundation of harmony and brotherhood among the people of the country.